वहीं ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां कुर्नी थाना क्षेत्र में राइस मिल का पानी टैंक फटने से एक बड़ा सा हादसा हो गया, जिसमें संचालक समेत 3 मजदूर झुलसकर बुरी तरह घायल हो गए। बताया जा रहा है कि 2 की हालत नाजुक है। वहीं घटना की आवाज सुनकर काफी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और स्थानीय लोगों ने डर का माहौल है। वहीं खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए दिन दहाड़े सीएसपी स्टाफ की गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि मृतक रामनगर में सेंट्रल बैंक के सीएसपी में काम कर रहा था। इसी दौरान बाइक सवार 2 अपराधी वहां पहुंचे और पिस्टल तान कर कैश निकालने को कहा। विकास ने इसका विरोध भी किया, तभी एक अपराधी ने उसे गोली मार दी और काउंटर से 1,80,000 रुपए लूटकर भाग निकले। वही घटना से आक्रोशित लोगों ने नेशनल हाईवे 28 को जाम कर विरोध प्रदर्शन भी किया है। खबर बिहार के नालंदा से है, जहां जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ने हिलसा विधानसभा में कोरामा पंचायत के उप सरपंच के प्रति ललित यादव हत्याकांड में एसआईटी जांच की मांग की है। आपको बता दें कि दानवीर ने कहा कि सूबे में लगातार मुखिया, सरपंच, उप सरपंच समेत अन्य पंचायत प्रतिनिधियों की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही यह भी कहा कि प्रशासन की लापरवाही और उदासीनता की वजह से प्रदेश में पंचायत प्रतिनिधियों का कत्ले आम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए उन्होंने यह कहा कि उनकी यह मांग है कि मामले को गंभीरता से ध्यान में रखते हुए एसआईटी की जांच करे और स्पीडी ट्रायल से अपराधियों को सजा भी दिलाए। ये यहाँ सबसे बड़ी बात है कि एक माँ ने बेटा अपना खोया है और उप सरपंच की पति की हत्या हुई है, और इसमें एक शब्द में मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करते हैं कि इस मामले की एसआईटी जांच हो, एसपी के संज्ञान में कार्रवाई हो और स्पीडी ट्रायल के तहत सजा हो। ये 3 मुख्य मांग है, क्योंकि आए दिन लगातार जनप्रतिनिधि जितने हैं, जैसे प्रदेश भर में आपका लगभग लगातार ये घटना आप सुनते आ रहे हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी हत्या कर दी जाती है, और लगातार चाहे रंजिश अनेकों रंजिश हो, अनेक प्रकार का रंजिश हो, लगातार जो ये हत्या हो रही है इस पे सरकार कहीं ना कहीं मौन है और प्रशासन की भी चूक है। यदि प्रशासन चाह जाए तो अपराधी पर नहीं मारे। वही खबर बिहार के गया से है, जहां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सभागार में हवाई अड्डा सलाहकार समिति की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता गया सांसद विजय मांझी ने की है। आपको बता दें कि उन्होंने हवाई अड्डा में बस की सुविधा मुहैया कराने के लिए जिला प्रशासन से अधिकारी के अनुरोध भी किया था, जिससे हवाई अड्डा में बाहर जाने और आने वाले यात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इसके अलावा गया से कार्गो बाहर जाने और लाने के लिए कार्गो टर्मिनल ऐतिहासिक बनाने के लिए विमान पतन निदेशक से अनुरोध किया गया है। खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि बाइक सवार अपराधियों ने कन्हौली बाजार में स्थित गुप्ता ज्वेलरी से 2 किलो सोना और 2,00,000 नगद रुपए की लूट को अंजाम दिया है। वहीं घटना के विरोध में लोगों ने आरा पटना मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। बताया जा रहा है कि जानकारी मिलने के बाद करीब 1 घंटे बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। वही खबर पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से है, जहां अखिल भारतीय अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक में संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष कुमार शेखर को आसन्न उपचुनाव में प्रत्याशी बनाने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने यह कहा कि चुनाव आयोग ने विसारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची तैयार करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके अनुसार
27 दिसंबर तक अपने प्रखंड मुख्यालय में प्रपत्र पत्र भर जमा करना होगा। खबर मझौलिया से है, जहां बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का नेतृत्व किसान नेता प्रभु नारायण राव ने किया। धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला मंत्री काचांदा सिंह यादव ने कहा कि भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराने की सरकार की घोषणाएं कागजों में सिमट कर रह गई हैं। केंद्र सरकार के आड़े हाथ लेते हुए केंद्र सरकार ने गलत नीतियों के कारण महंगाई बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। लोग रोजगार के लिए विदेशों के लिए प्लान कर रहे हैं। इस पर अंकुश लगाने में सरकार भी काफी विफल हो गई है। बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन का आज मझौलिया अंचल कमेटी के द्वारा ये प्रदर्शन हो रहा है। ये प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि एक तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गरीब विरोधी लगातार प्रशासन बनती जा रही है। पुलिस जो है बिना पैसा लेकर किसी का काम नहीं करती। गरीब जो जा रहे हैं उनके यहाँ तो पैसा देने वाला आदमी का वो काम करती है, गरीबों को भगा देती। अंचल का वही हालत है, सीओ हो या कर्मचारी हो सब लूट रहे हैं, गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं। भूमिहीन गरीब लोग हैं जो जमीन बरसों से दसियों वर्ष 20 वर्ष से जो जमीन पर बसे हुए हैं उस जमीन को पैसा लेकर दबंग लोगों के हाथों दिया जा रहा है और गरीबों को। खबर पंचपी चंपारण से है, जहां धुकराहा पंचायत के वार्ड नंबर 3 में 48 वर्षीय व्यक्ति की मारपीट कर निर्मम हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि आरोप लगाया है कि यह घटना भूमि विवाद के चलते हुई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। इस घटना से गांव में तनाव का काफी माहौल है, जिसको देखते हुए पुलिस बल मौके पर तैनात कर दी गई है। घटना यह है सर कि मेरे पापा को, दिनेश्वर यादव को, गांव में रामानंद शर्मा, गाजर शर्मा, उदेश शर्मा, शत्रुघ्न शर्मा, ये 5 भाई जो है लोग, उनका लड़का सहारा, ये सब मिल के मारा है। ये गए थे मणिशंकर राय के घर दावत खाने के लिए, बोला गया था लोग वापस आ रहे थे, नहीं वहीं पे बैठे थे रामदर्शन शर्मा के द्वार दरवाजे पे, तो ये रामानंद शर्मा का दरवाजा सामने है, तो ये वहीं से ये 5 भाई खींच के मारा है लोग, उनका लड़का सब था। मुक्का से, लाठी से, जो भी है, माथा पे मारा है, जिससे डेथ हो गया था। मारपीट के क्रम में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। मृतक का नाम जो है दिनेश्वर केरू यादव है, वो यही दूधा मठिया के रहने वाले हैं। पोस्टमार्टम करा दिया गया है, वेतन दे रहे हैं, तो उस पर कार्रवाई। मामला भूमि विवाद से जुड़ा है क्या? भूमि विवाद डायरेक्ट उनसे भूमि विवाद नहीं था, भूमि विवाद का मामला था, इसमें एक पक्ष के साथ ये रहा। वही खबर समस्तीपुर से है, जहां ताजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सोंगर पंचायत के मिर्जापुर गांव में बिजली से करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। मृत युवक की पहचान चकपहाड़ पंचायत के वार्ड संख्या 15 निवासी स्वर्गीय हरिहर गिरी के 28 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार गिरी के रूप में की गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार उक्त युवक बिजली के मानव बलों का सहयोगी बनकर पहले से भी बिजली ठीक करने का काम किया करता था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा लाश को जब्त करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सोंगर मुखिया परंजीत पासवान एवं चकपहाड़ पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि पिंटू गिरी द्वारा प्रखंड एवं जिला प्रशासन से बिजली से करंट लगने से मृत युवक के शोकाकुल परिवार को अविलंब सहायता राशि उपलब्ध कराने की मांग की है। देखिए मेरा, हम एक आदमी थे, नहीं हम थे, बाकी जे बोल रहा है इनको बात के बाद सपोर्ट कीजिए, हम नहीं थे। क्या हुआ था घटना? बाकी जे दिया बोला चकिन की जे हमको सब भी लाइन पर चढ़े हुए हैं, से लाइन नहीं दीजिए, से हम तार जोड़ रहे हैं जितने देर भर में से, मतलब आगे वाला आदमी जो लाइन जोड़ने के लिए कहा था कि जे हम जोड़ते हैं, अब बस की वो दे दिए लाइन, अब बस ये गिर गई। खबर पूर्वी चंपारण मोतिहारी से है, जहां हरसिद्ध प्रखंड के उत्क्रमित विद्यालय के प्रधानाध्यापक का क्लासरूम में खर्राटे लेने का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में दिख रहा है कि मास्टर साहब कक्षा में कुर्सी पर सो रहे हैं,
जिसका वीडियो बनाकर छात्रों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वहीं इस मामले में हरसिद्ध प्रखंड की प्रभारी ने कहा कि वीडियो के मामले में जो जानकारी मिली है, वीडियो की सच्चाई की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।